ओके तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता है, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग, एक बार जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कैसे है सब लोग। आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, है ना। बच्चों जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली शाम 7 बजे मैं आप लोगों के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की एक ऐसी क्लास लेके आता हूं जो आपके कह सकते हो 40 में से कम 35 प्लस नंबर पट्टे चढ़ेगी। जी हां, आपने एकदम सही सुना। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि सीबीटी 2 में मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरे भाई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका मेरिट में नाम ला सकता है बच्चों, उस सब्जेक्ट का नाम होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। हरा मेरे साथ आप डेली आप 40 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, जैसा आपका सिलेबस होता है हूबहू उसी सिलेबस के अनुसार मैं आपको यहां पर 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आने वाला हूं। आज हमारा लाइव टेस्ट तीसरा होगा बच्चों। बेसिक साइंस में ये वो टॉपिक होते हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। बच्चों बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसमें फिजिक्स आती है, नहीं मैं आपको बता दूं, इसमें देख लो कहीं पर भी लाइट वाला चैप्टर नहीं है। आप देख लो जाए सर, इसमें कहीं पर भी साउंड वाला चैप्टर नहीं है। तो बेसिक साइंस में फिजिक्स नहीं है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो गलत है, बेसिक साइंस में फिजिक्स के कुछ टॉपिक है, तो कुछ सेफ्टी भी है, इन्वायरमेंट भी है, कंप्यूटर भी है, अरे ड्राइंग भी है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। ओके तो आप सब लोगों को इसकी जब सिलेबस को पढ़ना होता है तो ध्यान से देख के पढ़ना है, ऐसा ना हो कि आप पढ़ कुछ और रहे और ऑफिशियल सिलेबस कुछ और है। और मैंने यहां पर हर सेट में लेके आया हूं कि 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, आप हर एक चैप्टर का नाम पहले अच्छे से देख लो, ठीक है। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए, एकदम रेडी है पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। हरा तो बच्चों आज का पहला ही क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन और बताइए जल्दी से पहला क्वेश्चन। आप पहले मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो रहा मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो कहना आप लोग के एग्जाम में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन का ही हमारा पहला सवाल, बताइए जल्दी से सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। इन्होंने क्या बोला, चित्र में गलत कथन की पहचान कीजिए, गलत मिलान कीजिए, है ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने गलत कथन की पहचान करने को बोला है, यहां पर कुछ लाइनें लिखी हैं, आप देखें, पहली लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, उसी तरीके से यहां हिडन लाइन, सेंटर लाइन, आप मुझे बताओ इनमें से कौन हमारा गलत है। ओके तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लॉन्ग ब्रेक लाइन सही बनी है, हिडन लाइन इस तरह से डॉटेड होती है मेरे भाई, ये भी एकदम सही है, और सेंटर लाइन एक बड़ा डैश फिर छोटा डैश फिर बड़ा डैश फिर छोटा डैश, ऐसे ही तो होता सेंटर लाइन, ये भी एकदम सही है। लेकिन मेरे भाई ये जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है ना, एक्चुअली में शॉर्ट ब्रेक लाइन गलत है, ये वाला पॉइंट हमारा टोटली 101% गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसी बनाई जाती है सर, ये ब्रेक लाइन जो होती है सर वो इस तरह से बनाई जाती है ऐसे, ये है शॉर्ट ब्रेक लाइन। और ये जो इन्होंने डायग्राम में दिखा है बच्चों, सर इस लाइन को पता है क्या नाम से जानते सर, इस लाइन को बोला जाता है कटिंग प्लेन लाइन। ओके तो ये जो हमारी लाइन दिखाई रही है ये कौन सी लाइन है सर, इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। क्लियर है, बोलो भाई। तो पहले क्वेश्चन का जो गलत आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इसलिए सवाल का सही आंसर बी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बच्चों मैं जीके साइंस का भी अभी बहुत बढ़िया प्लान आपको दूंगा, आप परेशान मत होइए, थोड़ा 26-27 जनवरी तक वेट कर लीजिए। 26-27 जनवरी के बाद हम लोग रात के 9 बजे भी एक सीरीज चालू करेंगे। अरे अब रात के 9 बजे जो सीरीज चालू होगी वो सीरीज किस चीज की चालू होगी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये वाले सवाल को गौर कीजिए, देखिए बहुत प्यारा सवाल बच्चों, बोला जा रहा है n समान विमा के तारों का संचालन करते हैं किंतु प्रतिरोध कितने हैं सर, प्रतिरोध बोला जा रहा है 1, 2, 3। हरा इसी तरह से हमारे n तक, तो बोला जा रहा है संयोजन की समतुल्य प्रतिरोध क्या है। बड़ा प्यारा सवाल, आप पहले चीजों को समझो, n समान विमा वाले तारों का संचालन करते हैं किंतु उनके प्रतिरोध 1, 2, 3 n है। बच्चों इनको कैसे जोड़ा है सीरीज में, आप मुझे बताओ, अगर आपने ढेर सारे रेजिस्टेंस कैसे जोड़ दिए सर, अगर आपने ढेर सारे रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में जोड़ दिए, पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 ओम का है, चौथा 4 ओम का है, और लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस आया मेरे भाई वो कितने ओम का है, n ओम का है। तुमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्या बात है, मजा आ गया। ओके तो मेरे भाई आप मुझे पहले ये बताओ कि अगर ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है नेट रेजिस्टेंस का, कह देना सभी रेजिस्टेंस को उठा के जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3
इसी तरह से यही फॉर्मूला तो सीरीजली होता है ना। आप मुझे बताओ, अगर ये फॉर्मूला सीरीज के लिए होता है तो जल्दी से मुझे बताओ, गणित में पढ़ा करते होगे, एन लगातार संख्याओं का योगफल, सर उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन बटे दो। बोलिए आंसर किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाने वाला है एन एन प्लस वन बटे दो के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो रजिस्टेंस बोला जा रहा है, तो नेट रजिस्टेंस सर इतना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए बच्चों, जीके जीएस के बारे में अभी सीबीटी टू में कहीं कुछ लिखा नहीं है, आप मेरी बात समझो, लेकिन सीबीटी वन में जरूर है। सीबीटी वन में जीके जीएस है, सीबीटी टू में नहीं लिखा हुआ है, वो बात की बात है। ओके, सवाल देखिए क्या बच्चों, ये वाला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत सारे लोग इस सवाल को गलत करेंगे, है ना। चलो आगे देखिए, चंदन सिंह एप्लीकेशन पे, माई पार्सल एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस का बैच पड़ा हुआ है, आप कंप्लीट थ्योरी वहां से कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों सवाल लिखा है, सीमा जल्दी में है और चाहती है कि उसके नूडल्स तेजी से ठंडे हो जाए, तो बताइए उसे बनी प्लेट पे रखना चाहिए, है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो प्लेट है, सर ये वो प्लेट है, और भैया सीमा ये चाहती है कि उसके जो नूडल्स यहां रखे हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाए, तो सीमा नूडल्स को जल्दी ठंडा करना चाहती है क्योंकि वो जल्दी में है, तो आप मुझे बताओ कौन सी प्लेट इस्तेमाल करेगी, है ना। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक की पेपर या फिर जो है लकड़ी भी इस्तेमाल करेगी, नहीं भाई, अगर इस नूडल्स को जल्दी ठंडा करना है तो वो कौन सी प्लेट इस्तेमाल करेगी? सर वो धातु की प्लेट इस्तेमाल करेगी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक है, और धातु अगर ऊष्मा का सुचालक है तो होगा क्या कि जो नूडल्स उसने गरम गरम रखे ना, हा मेरे भाई, वो जल्दी जल्दी हीट को बाहर निकालेंगे। तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा धातु के साथ। ऐसे ही घुमाने फिराने वाले सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन कहां का है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर है जिसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बताइए, अंकित मैंने बताया ना, रात के 9 बजे 2 से 3 दिन रुक जाइए, साइंस की मैं मैराथन लेके आ रहा हूं, आने वाला हूं, अगला 30 दिन और हर दिन 50 क्वेश्चन, यानी 1 महीने में मैं आपको 1500 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं साइंस के, जिससे बाहर आपके रेलवे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा मुझे सबर दीजिए, टाइम दीजिए, 2 से 3 दिन का बस और समय ले लेता हूं। ठीक है, सवाल देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में गलत पहचान को गलत बताइए। इंजीनियरिंग में धारकना एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बच्चों ये जो सिंबल होता है ना इस तरह से क्रॉस, ये लैंप का होता है, ये एकदम सही है मेरे भाई। ये सिंबल जब इस तरह से ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, मतलब एट एरो तिरछा लगा देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, परिवर्ती प्रतिरोध, ये भी एकदम सही है मेरे भाई। डायोड का सिंबल, ये भी सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला आंसर लिखा है ना, ये जंक्शन डायोड थोड़ी ना होता है मेरे भाई। जंक्शन डायोड का डायग्राम ऐसे होता है, याद रखना, जंक्शन डायोड का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये फॉर्मूला, ये डायग्राम होता है। कोई मुझे बताए ना ये किसका सिंबल है, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये किसका सिंबल है। हरा तो मेरे भाई धारक ने ये जो सिंबल दिखाई दिया बच्चों, ये फ्यूज वायर का सिंबल है, या फिर आप सिर्फ लिख सकते फ्यूज। तो ये जो लास्ट वाला सिंबल है ना सर, ये हमारा सिंबल जो है फ्यूज का होता है, और आपने कहा था जंक्शन डायोड, मेरे भाई ये आंसर गलत है। ओके, लाइट इमिटेड डायोड, बहुत पूछा जाता है डायोड का सिंबल क्या है, ये एक्चुअली में एलईडी है, और कई बार तुमसे एलईडी का पूरा नाम पूछा जाता है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटेड डायोड है। ओके चलो अरे ये लीजिए, पांचवा नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या जाएगा। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई, जरूर अभी तक लाइक नहीं किया दबा के पहले लाइक कीजिए, ताकि हम फटाफट 200 प्लस पहुंच जाए। यस चौधरी, अंकित पाल, वेरी गुड, सोमन सामर, क्या बात है बच्चों। बोला जा रहा है एक पीटोग्राम इनमें से बताओ किसके बराबर होगा, बेहतरीन सवाल, और 100 में से 99 बच्चे इस तरह के सवाल को गलत करते हैं, और उनको लगता है कि मैंने तो सही कर दिया। मतलब ये ऐसा सवाल होता है जिसे लोग जल्दीबाजी में गलत करते हैं मेरे भाई। अब देखो बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि एक पीटोग्राम, है ना सर एक पीटोग्राम, तो बच्चों धारक ना एक पीटोग्राम में 10^-12 होता है, लेकिन आगे ग्राम भी तो लगा होता है। पीको का मतलब पीटो हटाइए, 10^-12
लेकिन धुआं छूट रही है सर, सारे ऑप्शन तो टू डाउन में है मेरे दोस्त। है दोटा हो गया सर मेरे भाई, अटम 10^-12 ग्राम होता है तो क्लोराम बना लो, तो इसको क्लोराम बनाने के लिए 1000 का डिवाइड, और जैसे ही 1000 का डिवाइड करेंगे वो ऊपर जाएगा तो 10^-15 केजी। बोले बोले बोलिए, समझ में आया नहीं आया? तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जहां जानबूझ के आपको 10^-12 दिया जाएगा, जानबूझ के आपको 10^-12 दिया जाएगा। है जैसे कि मैं आपसे पूछूं सर 1 नैनोमीटर, ध्यान से सुनना सर, 1 नैनोमीटर में बता दो जल्दी से कितना सेंटीमीटर होगा। चलो कोई भी बच्चा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताए 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। क्या ये भी याद करोगे? नहीं भैया, ये याद नहीं करना होता, समझना होता है कि कैसे आंसर देना है। अब बताओ क्या आंसर दोगे, 10^-9 सेंटीमीटर आंसर दोगे, तो 10^-11 सेंटीमीटर आंसर दोगे, 10^-7 सेंटीमीटर आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे? इन तीनों में बताइए क्या आंसर देंगे 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर। तो कह रहा ठहरो सर बताते हैं, रुकिए सर, 1 नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होता है, बोलो। और नैनोमीटर को, इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम 10^2 से मल्टीप्लाई कर दे मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो फाइनली बताइए कितना हो जाएगा, 10^-7 सेंटीमीटर। देखो कुछ लोग 10^-11 कह रहे, अरे मूर्खो कैसे हो यार, 10^2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 बचेगा, -11 थोड़ी ना बचेगा, और तुम्हारे लिए पहले नंबर पे -11 रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के सवाल जल्दीबाजी में गलत नहीं होने चाहिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं मेरे भाई और दूसरों का सिलेक्शन छीन सकते हैं। सवाल देखिए, दशमलव संख्या को बताइए कौन से नंबर से डिवाइड करना है। सर दशमलव संख्या 128 को ऑक्टल बनाना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक दशमलव संख्या है 128, दशमलव संख्या का आधार 10 होता है, दशमलव संख्या का आधार क्या होता है बच्चों, 10, इससे 3 नंबर पूछता है। सर आप इस दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर बताओ यानी आधार 2, इस दशमलव संख्या को आप ऑक्टल नंबर बनाओ आधार 8, और इस दशमलव संख्या को बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर बनाओ आधार 16। तो किसी भी दशमलव संख्या को जब हम बाइनरी बनाना होता है ऑक्टल हेक्साडेसिमल, तो भैया उस संख्या से भाग करा देते हैं। है अगर 128 को हमें कौन सी नंबर बनाना होता, बाइनरी, तो 2 से भाग कराते, शेषफल यहां लिखते। मेरी बात समझिए, ले हमें बनाना क्या है सर, हमें तो बनाना है ऑक्टल, तो ऑक्टल बनाना है तो भैया 8 से भाग कराइए ना, 8 से भाग कराइए और शेषफल बगल में लिखिए। ये लो कराओ 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 कराओ, जल्दी बताओ। 8 × 8 = 4 = 48, 8 × 6 = 48, 0 शेषफल। फिर 8 से सर 8 × 2 = 16, 16 पूरा का पूरा 0 शेषफल। अरे हुआ, और इस तरह से उल्टा करके लिखते हैं ना, उल्टा करके ऐसे ओके। अरे मेरे भाई समझ आ रहा है? तो बताइए इसका ऑक्टल कितना हो जाएगा, 200। ये लीजिए कितना आसान है, कितना आसान है बताइए। अगर इसका बाइनरी बनाना होता तो किससे भाग करते, 2 से, 2 से भाग करते 64 आता है 0 शेषफल, फिर 2 से भाग करते 32 आता है 0 शेषफल, फिर ऐसे ही करते करते कर लो, क्या दिक्कत है बताइए। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, बजा दिया सर, बजा दिया बजा दिया। ये लीजिए बच्चों, माय पार्सल एप्लीकेशन पे आप बेसिक साइंस की कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपके जैसे जाने कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं ना। ये लीजिए, अब ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाइए, मजा आ जाएगा भाई, बहुत ध्यान से देखिए ना। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां नंबर, एकदम कायदे के साथ पढ़िए ना, और एकदम अंदर कॉन्सेप्ट से सवाल है। किसी पिंड को हवा में 20 मीटर उठाने में किया जाता है W1 है। मान लीजिए तुम्हारे पास सर, मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई पिंड है बच्चों, मान लीजिए ये M क्लोराम का पिंड है, और इससे हवा में आपने उठाया सर, हवा में उठाना कितने मीटर उठाया है सर, हवा में मैंने उठाया है 20 मीटर, और बच्चों जब हवा में इसको 20 मीटर उठाया है तो टीआर टार बताइए कितना है, W1। हवा में उठाया है टार W1, लेकिन अगर उसी पिंड को बताइए हमें कहां पर उठाना हो सर, उसी पिंड को हमें उठाना हो पानी में,
पानी में। तो बताइए पानी में अगर इसको उठाना हो तो टीआर या टार कितना है सर? W2। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हवा में उठाने में W1, पानी में उठाने में W2, तो बताइए कौन से कदम सही है? W1 W2 में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा? ओके, क्या बात है, मुझे पता है आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आंसर दिया और भाई साहब सबका आंसर सही है। आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसका भार कम हो जाता है। मेरे भाई जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो बताइए उसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब भार कम तो लगने वाला तार भी कम है ना। तो बच्चों W1 का मान ज्यादा होना चाहिए, पानी में जैसे ही डुबोगे तो भार कम हो जाएगा और भार कम हो गया तो टीआर या टार भी कम हो जाएगा। तो W2 का मान कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आपको मुझे पता है कि कोई फॉर्मूला नहीं आता था, लेकिन आप लोगों ने जो आंसर दिया ना मेरे दोस्त, वो एकदम सही आंसर दिया। अब आप मुझे ये बता दो कि आपने यही वाला लॉजिक लगाया था कि जैसे ही पानी में डुबोगे तो उसका भार कम हो जाएगा और अगर भार कम हो गया तो टीआर या टार भी कम। एक बार थोड़ा कमेंट करके बताओ आप सबने क्या यही लॉजिक दिया था। ये लीजिए बच्चों अगला सवाल, सार्थक अंक मेजरमेंट का क्वेश्चन है। 090090090090 ऐसे संख्या लिखिए। बोला जा रहा है कि आप मुझे बताओ इसमें सार्थक अंक क्या है। जब तक आपको सार्थक अंक के वो 5 पॉइंट नहीं याद होंगे जिसमें आपको सार्थक अंक निकालना सिखाया था मैंने, तब तक आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है। बोलो बोलो सब है ना, क्या 5 पॉइंट? स्टार्टिंग 0 तभी सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, हैं? दो संख्या के बीच में जो 0 आते हैं उनको सार्थक अंक माना जाता है। अरे एंडिंग 0, सर एंडिंग 0 हमेशा तभी सार्थक अंक होते हैं जब वो दशमलव के बाद होते हैं, तो दशमलव के बाद है तो ये सार्थक अंक है। एंडिंग 0 हमेशा तभी सार्थक अंक होते हैं जब वो दशमलव के बाद होते हैं, है ना। तो वो सब छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने आपको सिखाए थे ना, उसके अनुसार देखो इसमें कितने सार्थक अंक बने बच्चों, इसमें 6 सार्थक अंक बने। अरे बोलो समझ आ गया, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट आइए, ये वाला सवाल देखिए, बताइए बड़ा प्यारा सवाल, किस चैप्टर का क्वेश्चन है? वर्क पावर और एनर्जी का सवाल है मेरे भाई, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए रहा बच्चों, इन्होंने क्या बोला 9 क्वेश्चन में, कैदे में 2 पिंड M1 और M2 है और M1 इज ग्रेटर देन M2 है, वेरी गुड। फिर उनके P1 और P2 जो है संतुष्ट नहीं, एक्चुअली में यहां लिखा होना चाहिए था संवेद। P1 और P2 क्या होता है? संवेद होता है, संवेद। तो बताइए P1 P2 में से कौन बड़ा? लेकिन यहां जो एक लाइन बोली ना, गति ऊर्जा समान है और बात संवेद की हो रही है, तो हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा मेरे भाई, वो गति ऊर्जा के बराबर होता है P² / 2m। बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा सबने, एक बार कमेंट करके बताओ। हरा पीयूष पांडे, अभी साइंस के लिए ना मैं ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं रात्रि में 9 बजे डेली, जिसमें मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बस 2-3 दिन रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाने दीजिए, डबल कॉलम की PDF बन जाने दीजिए, डेली 50 क्वेश्चन की PDF दूंगा और डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे भाई इस फॉर्मूले में आप पहले गौर से देखिए, सर यहां पर गति ऊर्जा कांस्टेंट है और आप गौर से देखिए तो पी हरा एम इधर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा सर उसका मोमेंटम ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा जिसका है सर M1 ज्यादा है, अगर M1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा होगा, M1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई भाग सब तो क्लियर है, चलो आगे आइए नेक्स्ट। ये लीजिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मैं आपको पहले बता दूं, जब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, हरा वेरी गुड वेरी गुड नंद किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, धन्यवाद। चलो तो अगले वाले सवाल की ओर बढ़े बच्चों, बोला जा रहा है फारेनहाइट पैमाने पर और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कम से कम बेसिक साइंस इंजीनियर ड्रॉइंग में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है, पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट। देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता तो वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन बताओ, रियूमर में पूछा जाए तो 80 डिग्री रियूमर बताओ,
और फारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो 212 डिग्री फारेनहाइट बताओ, याद है ये सारे डेटा, तो ये तो सर सही हो गया। तापमान सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस के बराबर हो रहा है, एकदम सही। ध्यान सुनो, -40 पर चाहे तुम डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे -40 पे डिग्री फारेनहाइट लिखो, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, डेटा बहुत पूछा जाता है, यह भी सही है। दूसरा, तीसरा बच्चों बोला जा रहा, ऊपरी स्थिर बिंदु और निचले स्थिर बिंदु के बीच 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। आपको पता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जब आपसे पूछा जाता है फारेनहाइट में तो 212 डिग्री फारेनहाइट, अरे फ्रीजिंग पॉइंट जब आपको फारेनहाइट में पूछा जाता है तो 32 डिग्री फारेनहाइट। अब आप गौर से देखिए 212 और 32 के बीच कितना डिवीजन बनेगा, सर 212 और 32 के बीच 180 डिवीजन बनेगा, 180 डिवीजन बनेगा, क्या बात है। अरे तो मेरे भाई ये सवाल एकदम सही है, ये लीजिए मिल गया सर, ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो, धुआं छुड़ा दिया नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी ये लीजिए। देखो मैं आपको पहले बता दूं, अब आपके मन में खलबली मचेगी, मन में खलबली ये मचेगी, सर ये क्या सवाल आ गया, स्पोर्डिया का मॉड्यूल दिया जा रहा है 30 दांतों की संख्या आरपीएम, ये क्या पूछ रहा है। ध्यान से, ये साइंस नहीं है। एक्चुअली में मैंने आपको कहा था कि आपके में सिंपल लीवर और मशीन का चैप्टर है और सिंपल लीवर और मशीन में डियर भी आता है, आप क्वेश्चन का उठा के देख लो बच्चों, डियर से सवाल हमेशा पिछली बार पूछे गए हैं, तो डियर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डियर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। हरा सवाल देखिए क्या, सर आपका साइंस वेरी वेरी नाइस है, पढ़ने में लगता है सर आपका साइंस, धन्यवाद धन्यवाद नंद किशोर, आप आंसर भी देते रहिए। स्पोर्डिया का इन्होंने देखो मॉड्यूल दिया है, सर मॉड्यूल दिया है 2 mm है, दांतों की संख्या दी है 30 और बोला जा रहा है कि बताइए वृत्ति पिच क्या होगी, सर्कुलर पिच जिसको आप वृत्ति पिच बोलते हैं, बताइए वृत्ति पिच क्या। बहुत प्यारा सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर मिलेगा मेरे भाई, याद रखना वृत्ति पिच पीसी बराबर फॉर्मूला होता है पाई डी अपॉन टी, है ना, ये सब डिटेल में पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं ये सब मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा, ये देखिए, हरा ये देखिए डीएम वाला चैप्टर जो आपको कहीं बेसिक साइंस में नहीं पढ़ने को मिलेगा, मैंने अपने बैच में पढ़ा रखा, ये देखिए पूरा का पूरा डीएम है, क्योंकि ये सब हमारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा। ये जो वृत्ति पिच की बात हो रही है ना, ये देखिए एकदम डिटेल में कि फॉर्मूला आया तो आया कहां से, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, है ना। तो बच्चों यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, वृत्ति पिच बराबर होता है पाई डी बटे टी, जबकि मॉड्यूल एम बराबर होता है डी बटे टी। मॉड्यूल एम बराबर क्या होता है सर, मॉड्यूल एम बराबर होता है डी बाई टी। तो बच्चों अगर मैं इस डी बाई टी का मान उठाकर यहां फिट कर दूं तो देखो पीसी बराबर हो जाएगा पाई इंटू एम, पाई की वैल्यू 3.14, एम इन्होंने दे रखा 2, एम कितना दे रखा 2, तो मेरे भाई जैसी 2 दे रखा मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.28, सर 6.28 एमएम, ये हमारा वृत्ति पिच बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर। अब आप एक बार ट्राई कर लो और एक बार जो है पहले संकल्प ले लो कि ऐसे सवाल छोड़ने हैं कि करने हैं, है ना। तो बच्चों सबको सवाल समझ में आ गया, एक बार मुझे थम्सअप करके बताएंगे, टोटी बेहतरीन सवाल था, मजेदार सवाल था, आपको समझ में आना चाहिए। ये लो अगला सवाल बच्चों, इसी तरह के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक साइंस की बुक में डाल रखे हैं, बेसिक साइंस की बुक को ऑर्डर करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर ले या फिर ये नंबर पे कॉल कर ले, ये लीजिए क्या बात है। बच्चों अगला सवाल फटाफट जल्दी से मुझे पढ़ के बताइए, इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन। चित्र में दिए गए टारगेट के विषय में बताओ कौन सा कथन सत्य होगा, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों यहां पर देखो, कुछ एक डायग्राम दिया है और डायग्राम क्या है मैं आपको बताता हूं। सर ये एक लड़का है, ये लड़का पहले ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ये लड़का ऐसे इधर जा रहा है, फिर ये लड़का ऐसे इधर जा रहा है, आप देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि बताइए टियर टार कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो, ठीक है बच्चों हमेशा याद रखना कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, जब भी कभी थीटा 90 होगा तो टियर टार जीरो, थीटा 90 से ज्यादा मेरे भाई टियर टार निगेटिव, और बच्चों अगर थीटा 90 से कम तो टियर टार पॉजिटिव। ये बात सबको पता है नहीं पता पहले ये बता दो, हैं क्या बात है, आंसर मिल गया क्या, अरे वाह वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, क्या बात है। अरे बच्चों एक बात बताओ,
बीच वाला जो डब्ल्यू वाला केस है उसमें विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, एमजी इसका एमजी नीचे की ओर, एमजी नीचे की ओर काम करता है। तो बताइए जल्दी से दोनों के बीच का एंगल 90, तो 90 तो डब्ल्यू टू टीयर एट आर जीरो, 90 जहां होगा टीयर एट आर जीरो। इधर आइए सर, इधर विस्थापन की डायरेक्शन ये नीचे आ रहा और एमजी ये मेरे भाई, ये एंगल बीच का एंगल देखो थीटा 90 से कम, और थीटा 90 से कम तो W1 का मान पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं सर, इधर विस्थापन ऐसे mg नीचे की ओर, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना। सर इन दोनों के बीच का एंगल 90 से ज्यादा, और जब 90 से ज्यादा तो W3 नेगेटिव, यानी यहां पॉजिटिव यहां जीरो यहां नेगेटिव, पहला पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या बात है, समझ में आ गया, एक बार थोड़ा कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ सवाल, आगे बढ़ा जाए। लिंक शेयर कर दो, ये पोला उठाओ जरा यहां से, है ना। क्या बात है, बताइए बच्चों अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल, और ये ध्यान रखना ओ किताब की लिंक, कमेंट मैंने कहा था सुनते रहो बच्चों। अगला सवाल देखिए, जब भी रिसाव किसी भी प्रकार का देखा जाता है तो बताइए इससे बचने से इसे सुधारा जाए। रिसाव समझते हैं, है ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं जब भी कहीं कहीं से भी कोई लीकेज होता है, कहीं से भी क्या होता है बच्चों, लीकेज होता है, तो सबसे पहले संभावना होती है कि वहां पर आग का खतरा ना हो। बोलो, जैसे कि मान ली कहीं पर आपकी गैस का लीकेज हो गया है, एलपीजी की गैस, या फिर कोई सिलेंडर लीक करने लगा, या फिर आपकी फ्रिज की एसी का रेफ्रिजरेंट लीक करने लगा, तो सबसे पहला काम होता है वहां पर आग ना लगे। तो हमें ना क्या समझना होता है कि किसी भी लीकेज को आग के खतरे से बचाना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सब गलत है भैया, लीकेज जहां कहीं भी होगा सबसे पहले वहां पर जो बचाना होगा वो आग का खतरा बचाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये लो, क्या बात है, दसवां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िए भाई जल्दी से, बताइए सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा। थोड़ा एक बार कमेंट करके फास्ट कमेंट कीजिए, और जरूर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। और मैं आपको बता दूं डेली शाम 7 बजे हम लोग अपने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के 40 नंबर वाली क्लास पढ़ रहे हैं, मतलब आप ये मान के चलो इस क्लास के बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है ड्राइंग में लाइन के विषय में, बताइए कौन सा तत्व सत्य होगा। लाइन है ना, टाइप्स ऑफ लाइन पूरा पढ़ लो, टाइप्स ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ लाइन में सेंटर लाइन एच टाइप लाइन गलत। मेरे भाई सेंटर लाइन होती है एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। मेरे भाई ये जो सेंटर लाइन है वो हमेशा ध्यान रखना जी टाइप लाइन में होती है, जी टाइप में, है ना। फिर आगे लिखा है ड्रॉइंग 10 प्रकार की लाइन में होती है, ये सही है सर, ड्रॉइंग 10 प्रकार की लाइनें होती है, कौन कौन सी, ए बी सी डी ई एफ, फिर जी एच और आई नहीं होता, फिर जे और के, आई नहीं होता, टोटल 10 तरह की लाइनें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये सही है सर, पहला वाला गलत है, ए से डी तक लगातार रेखा होती है, कॉन्टिन्यूअस लाइन, बिल्कुल एकदम सही है ना बच्चों, याद रखना जो ए से डी होती है सर, ए से डी तक की लाइनें लगातार होती है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस लाइन का मतलब होता है ऐसी, है ना। और बच्चों ई से लेके के तक की लाइन, ये सब लाइनें हमारी डैश लाइन होती हैं, डैश लाइन का मतलब इसमें इस तरह का कुछ सीक्वेंस मिले रहा, ओके। तो ये वाला सही है, ए से डी लगातार रेखा होती है बच्चों, ये सही है। दूसरा और तीसरा ये देखिए सर, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का सही आंसर है। आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये बात सबको क्लियर हुई नहीं, क्लियर हुई, क्लियर है, बहुत प्यारा सवाल था, मजा आ गया। ये लो ये वाला सवाल देखिए, देखो सीसा झूला, मैं फिर बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे सवाल देखकर जो है ना भ्रमित हो जाते हैं, क्या ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं सीसा झूला वाला। ये देखिए पिछली बार उठा के देख लीजिए, सीसा झूला, सीसा झूला, 30 किलोग्राम 15 किलोग्राम का बच्चा है, सीसा झूला, सीसा झूला, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे रहे सवाल है, तो सेम सवाल नहीं लाना है हमें, उसी के जैसे नए सवाल सॉल्व करने हैं। अब सवाल को समझो, या तो छोड़ दो और या तो एक बार कर लो। प्रश्न ये है कि सीसा के खेल में सीसा झूले के संतुलन के लिए
लड़का बी हरा दाएं से किनारे से कितना विस्थापन होना चाहिए। बच्चों लड़का ए है, ये लड़का बी है। लड़का ए 40 किलोग्राम का है, 2 मीटर है। लड़का बी 60 किलोग्राम का है, लेकिन दाएं किनारे से कितना विस्थापन? बच्चों दाएं किनारे से जो इसका विस्थापन दिखाई दिया है, यह विस्थापन है एक्स। तो तुम्हें बोला जा रहा है दाएं किनारे से विस्थापन कितना होना चाहिए। देखिए ना, लड़के बी का दाएं किनारे से विस्थापन ये एक्स पूछा जा रहा है। लग जाएगा? यस लग जाएगा सर। हाँ, मूवमेंट लेना होता है। लड़के बी का वजन कितना है? 60 किलोग्राम, 60 केजी। लड़के ए का वजन कितना है? 40 केजी। तो बच्चों होता क्या है कि हमें दोनों लड़के का बस मूवमेंट बराबर करना है। तो मूवमेंट की डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस 2 मीटर, लेकिन मेरे भाई अगर ये डिस्टेंस पूछी जाती, ये डिस्टेंस कितनी है? तो पूरा 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी 2 माइनस x मीटर, 2 माइनस x। आप मेरी बात समझे ना? तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ मूवमेंट बराबर करना है, और मूवमेंट का मतलब होता है बल गुणे दूरी। तो सर यहां मूवमेंट बताइए, लेफ्ट साइड का 40 गुणे दूरी 2 मीटर बराबर, वहां का मूवमेंट बताइए 60, और दूरी यहां से होती है हमेशा फिक्स पॉइंट से, ये दूरी हो जाएगी 2 माइनस x। चलो भैया जल्दी से सॉल्व करके मुझे x बता दो। हरा तो x का आंसर आने वाला है 80/60 2 माइनस x, या फिर आप बोल सकते हैं 2 माइनस x बराबर, कैंसिल कर दीजिए, 4/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4/3। हरा अब 2 में से अगर 4/3 को घटाया जाएगा बच्चों, 2 में से 4/3 को, तो आंसर तुम्हारा x का 2/3 आ गया। चलो आ गया, सबका बन गया ना? तो मेरे भाई इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की आदत डाल लो, नई आदत डालोगे ना तो आपके एग्जाम में आपको धोखा मिलेगा कुछ नहीं। और मैं फिर से बता दूं, मैं आपको वो सवाल नहीं सॉल्व कराने वाला जो आपको बहुत आसान लगेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वो सवाल सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये देखिए इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, सेम उसी से जैसा सवाल। चलो लड़ाई जल्दी से, अब देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत प्यारा सवाल। इसमें कल से मैं रोज एक बात बता रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले को माइंड में रख लो, क्यू बराबर के ए डेल्टा टी बटे एल, सेम टाइप का सवाल। लेकिन इस बार जो आंसर इन्होंने पूछा है वो आंसर किसमें पूछा है? वाट पर मीटर स्क्वायर में। और वाट पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि क्यू नहीं, क्यू बटे ए पूछा जा रहा है। सर क्यू बटे ए पूछा जा रहा है, बोलो। चलो लगाया जाए, सबसे पहले के, के की वैल्यू 0.51 है ना, एरिया मुझे लिखना ही नहीं है, डेल्टा टी बाहरी तापमान 50, अंदरी तापमान 25, 50 माइनस 25 25, लंबाई 200 mm, और 200 mm को अगर मीटर बनाया जाए रहा बच्चों, तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर है ना। तो मेरे भाई आप जल्दी से इसको सॉल्व आइए, तो 10 यहां बढ़ाते, दशमलव उड़ा दीजिए, तो ऊपर आ गया तुम्हारा 25 गुणे 51 और डिवाइड बाई 20। अब आप जल्दी से मुझे बताओ 25 गुणे 51 डिवाइड बाई 20 कितना आने वाला है? कितना आएगा? तो बच्चों इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से और यहां 4, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 5 5 25 डिवाइड बाई 4, 255/4 आ गया। और 255/4, 4 6 24, 1 15, 6 3 12, 3 30, 6 7 28, 2 20, 4 5 20, ये उत्तर जाने वाला है 63.75। चेक कर लो जल्दी से, है ना। तो कहने का मतलब ये ना, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की आप एक बार आदत डाल लो, और ये सब मैं प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलो आ जाइए, ओके ये लो 17 नंबर सवाल, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाएगा। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करते रहो भाई फटाफट, और बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट उत्तर क्या है। ये हमारा वर्क पावर और एनर्जी का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऊर्जा के संबंध में संबंधित है? हरा ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, और वो भी इनकरेक्ट पूछ रहा है। देख लो इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट का मतलब क्या बच्चों? गलत कथन पूछ रहा है आपको, गलत कथन बताइए इनमें से कौन हमारा गलत है। हरा बच्चा पीडीएफ के लिए आप लोग माई पाठशाला पीडीएफ वाले में देख लो, दो जगह टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिलती है, एक तो माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी,
और दूसरा ध्यान रखना, एक और पीडीएफ, दो टेलीग्राम चैनल आप सब लोग को ज्वाइन करने होंगे, पाठशाला रेलवे एग्जाम, है ना। तो पाठशाला रेलवे एग्जाम और माई पाठशाला पीडीएफ, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर, इन दोनों में से किसी एक जगह में मिल जाएगी। चलो तो बच्चों गलत बोला, स्थिति ऊर्जा को डेटम ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, सर सही है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना बनाया जा सकता, यह भी सही है। ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होता है मेरे भाई, यह भी सही है। देखो शक्ति मतलब जूल पर सेकेंड, समय इंटू सेकेंड, जब जूल पर सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड में होगा मेरे भाई तभी तो ऊर्जा आएगा, यह भी सही है। फिर आगे देखिए, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, बस सर गलत हो गया, कार्य करने की दर ऊर्जा नहीं होती, एक्चुअली में कार्य करने की दर, सर कार्य करने की दर बताइए क्या होती है, शक्ति होती है, है? तो मेरे भाई ये ऊर्जा नहीं है। और सर अब डी, क्या बात है, ओके चलो आगे। ये लो ये जो कमेंट आ रहा है इसको हटा दो, मैं कमेंट नहीं रीड कर पा रहा हूं, जो लिखा है लाइट वाइट करने वाला, ठीक है चलो क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई, जल्दी से हम लोग 200 प्लस हो जाए, अरे 250 प्लस हो जाए, अभी भी हम लोग उसी में अटके हैं। बताइए एक कांच का संगमरमर एक क्षैतिज फर्श पे 3 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, मान लो ये हमारे पास कह सकते हो कोई बॉल है और ये कितने मीटर की ऊंचाई के साथ गिरता है, 3 मीटर की ऊंचाई के साथ गिरता है ऐसे। फिर उन्होंने ये बोला यदि प्रत्यानयन गुणांक, अच्छा प्रत्यानयन गुणांक यहां लिखा है 0.9 है, 0.9 है, तो बताइए प्रभाव के बाद कितनी ऊंचाई पर जाएगा, यानी गिरेगा, और गिरने के बाद बताइए वो कितनी ऊंचाई पर जाएगा, ये बाद वाली ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, बाद वाली ऊंचाई पूछी जा रही है। लेकिन बाद वाली ऊंचाई के लिए आपको प्रत्यानयन गुणांक ई दिया है, हरा प्रत्यानयन गुणांक ई कितना बोला जा रहा है बच्चों, ई दिया गया है 0.9, ये देखो ई का मान 0.9 है दिया है। चलो एक फॉर्मूला याद है, नहीं याद है आपको, जब किसी बॉल को हम एच ऊंचाई से गिराते हैं तो याद रखना बाद वाली ऊंचाई अगर एच टू निकालनी हो तो पुरानी वाली ऊंचाई एच वन में ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद वाली ऊंचाई एच टू बराबर एच वन इंटू ई स्क्वायर, इसको याद कर लो, ठीक है। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ अगर बाद वाली ऊंचाई एच टू निकालनी है तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर 0.81, पुरानी वाली ऊंचाई 3 मीटर, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये कितना आ जाएगा सर, 243 यानी 2.43 मीटर, 0.81 इंटू 3 करके देखिए 243 आएगा और 243 का मतलब 2.43 मीटर, ऑप्शन नंबर हमारा ए उत्तर। क्या बात है, बजा दिया भैया, बजा दिया, बजा दिया, ये लीजिए। तो बच्चों माई पार्सल एप्लीकेशन पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी चल रहा है एलपी टेक्नीशियन के लिए, CBT 1 प्लस CBT 2 आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नहीं भैया अभी एलपी का फॉर्म बिल्कुल नहीं डालना, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लू, वैकेंसी 101% इंक्रीज होगी अगर आपने अभी से एलपी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि आज ही मैंने सुबह वीडियो किया है जिसमें पता चल रहा है कि 16,373 पोस्ट कहां कहां कितनी खाली है, तो एक बार वैकेंसी टू इंक्रीज हो जाने दीजिए। और मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी से फॉर्म भर दिया तो बोल्ड चेंज नहीं होता, अगर आपने पहले से ही चेन्नई बोल्ड लगा दिया तो कभी भी चेन्नई बोल्ड चेंज नहीं होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सबर रखना है, 26-27 जनवरी के बाद ही फॉर्म भरना है, ठीक है। सीधे रेखा में चलने वाले बिंदु के लिए बताइए कौन सा कथन सत्य है ना मेरे भाई, जब कोई पार्टिकल आगे सीधी रेखा में चलता है तो उसके पास त्वरण तो हो सकता है, लेकिन वो जो त्वरण होता है बच्चों उस त्वरण को बोलते हैं स्पर्श रेखी त्वरण, अरे उसे कौन सा त्वरण बोलते हैं, स्पर्श रेखी टेंजेंशियल। इन्होंने एक और त्वरण का नाम लिया रेडियल, आपको पता है रेडियल त्वरण क्या होता है, जब कोई वृत्ताकार मोशन करता है तो बच्चों वृत्ताकार मोशन में हरा एक और त्वरण होता है जो सेंटर की ओर काम करता है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल त्वरण एसी कहते हैं, याद है ना। ये जो एसी आया बच्चों इसकी डायरेक्शन रेडियस की ओर होती है, अब देखो रेडियस की ओर है इसीलिए इसको रेडियल त्वरण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल भी त्वरण कहते हैं, हरा ओके। अब देखो सवाल क्या था, सीधी रेखा में चलने वाले किसी बिंदु के लिए कौन सा कथन सत्य है, त्वरण का कोई रेडियल घटक नहीं है, ये एकदम सही है, सीधी रेखा में चलेगा तो कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा, त्वरण का कोई स्पर्श रेखी घटक नहीं है, गलत, त्वरण के स्पर्श रेखी दोनों घटक है, गलत, दोनों घटक थोड़ी ना है, रेडियल नहीं है, दोनों घटक नहीं है, गलत। बच्चों जब भी कभी सीधी रेखा में चलेगा
तो रेडियल नहीं होगा लेकिन स्पर्शरेखीय होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रेडियल घटक का मतलब है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन, हरा अभिकेंद्री त्वरण वो नहीं होगा। ले जाने ये वृत्ताकार मोशन चलता तो वो होता। चलो आगे, ये लीजिए, ये लीजिए 20वां नंबर। क्या बात है, प्रणाम प्रणाम भैया सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हरा बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अब 20वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हालांकि है बहुत आसान। इन्होंने बोला है कि एक वाहन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 125 मीटर की दूरी तय करने पर इसकी जो गति है वो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लेकिन इस दौरान चली गई जो दूरी है वो बताइए कितनी है, 125 मीटर। तो बताइए कितना समय लगेगा। इन्होंने क्या पूछा है, समय। बच्चों ऐसे सवालों में ना हमें इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना चाहिए मेरे दोस्त। देखो 36 किलोमीटर पर आवर, तो जब भी कभी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 18 दुनी 36, 5 दुनी 10, ऐसे ही। तो 101% इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड है ना। 18 3 54, 5 3 15, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये। अब आ जाइए बच्चों गति का जो दूसरा समीकरण होता है जिसको आप s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहते हो, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी प्लस अंतिम वेलोसिटी का औसत इंटू समय t, दूरी बराबर औसत चाल इंटू समय, ये भी लिख सकते हैं। हाँ चलो दूरी बताइए कितनी है, 125 10 प्लस 15 25 बटे 2 इंटू समय t, 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यानी आंसर आने वाला है तुम्हारा 10 सेकेंड। चलो जल्दी से, क्या बात है, समझ आ रहा? हाँ देखो कुछ लोग 5 सेकेंड आंसर दे रहे हैं, मार खाओ रे बहुत। आंसर कितना होगा, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड का आंसर निकाल लो, यहां से निकाल लो क्या 5 सेकेंड, ठीक है? तो मेरे भाई आप पहले समझो, पहले हमने इसको क्या बनाया, मीटर पर सेकेंड बनाया, और मीटर पर सेकेंड बनाने के बाद फिर कहीं जाके हमने इसको सवाल को सोल्व किया और फाइनल आंसर आया 10 सेकेंड। चेक कर लो जल्दी से, हरा ठीक है? आप सब लोग होंगे, मैं बता दूं अभी मैंने कमेंट रीड किया, 90% लोग जो इसका आंसर दे रहे हैं वो 5 सेकेंड दे रहे हैं। अब बताओ 5 सेकेंड का आंसर डाला तुमने। चलो आ जाइए, ये लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन। देखने में भैया ये भी सवाल लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन है ठीक ठाक। सवाल की लैंग्वेज समझना, रेलवे पता लैंग्वेज में ही, ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज भी खेल जाता है। क्या बात है, वेरी गुड जसवंत रिंकेश, क्या बात है। ये कमेंट करके इसका आंसर देते दिखाइए, मैं इस बार आपका कमेंट भी रीड करूंगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि हो रही, 300% की वृद्धि हो रही, तो बता रहा है वस्तु की गति में, गति का मतलब वेलोसिटी में, हरा गति में बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, ठीक है? गतिज ऊर्जा में कह दिया सर, गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि हुई है, तो तुमसे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि बताइए उसकी गति मतलब वेलोसिटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह तुमसे पूछा जा रहा है। क्या बात है, देखो अमित कुमार कह रहे हैं 100% है, कुछ लोग कह रहे हैं 200%। चलो कोई नहीं, देखो इसमें भी मैंने कहा ना ये सवाल बहुत अच्छा है। अब इसको पहले समझो क्या है, हरा ठीक है, 100 और 200 में ज्यादातर लोग कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं 50% लोगों का आंसर 100 है, 50% लोगों का आंसर 200 है, लेकिन उत्तर तो एक ही सही होगा ना, या तो 100 वाले का आंसर सही होगा या तो 200 वालों का सही होगा। और बच्चों इसी कंफ्यूजन में मैं आपको बता दूं, आपके एक एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में, और एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब सही आंसर सुनो, गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि, इसका मतलब क्या सर, पहले जो गतिज ऊर्जा 100 रही होगी अब वो गतिज ऊर्जा 400 हो रही होगी, देख लो यही मतलब होगा, 100 से 400 हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि सर, 300% की वृद्धि हो रही, हमने गणित में पढ़ रखा है। मैंने कहा वेरी गुड, क्या हम लोग इसको ऐसा कह सकते जो गतिज ऊर्जा पहले 1 रही होगी वो 4 हो रही होगी, बोला जा सकता है। यस बच्चों गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में वी स्क्वायर आता है, हरा, या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के,
यानी गतिज ऊर्जा दी है, वेलोसिटी निकालनी तो हमें अंडर रूट के करना पड़ेगा। तो ठीक है सर अंडर रूट कर दो। तो अंडर रूट के का अंडर रूट वन का अंडर रूट वन, चार का अंडर रूट दो। बोलो अर्थ यह हुआ सर कि जो गतिज ऊर्जा एक से चार हुई तो वेलोसिटी एक से दो हो गई। अब आप बताओ वृद्धि कितनी हुई? अरे भाई एक से दो हुई, एक से दो हुई तो क्या कहो रही सर? वृद्धि हुई है 100% की। जब कोई चीज डबल हो जाती है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 200 रुपए हो गए, 100% की वृद्धि हुई यार। ईमानदारी के साथ बताओ, जितने बच्चों का एक बार सेशन में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सही हो गया होगा, दिल एकदम खुश हो गया होगा, यार सर मेरा सही हो गया है, मजा आया नहीं आया एक बार बताओ? तो कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा रखिए, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बता दूं, ये लीजिए घर्षण भी है आप लोग के सिलेबस में, घर्षण पिछली बार घर्षण का न्यूमेरिकल आया था। अब सुनो ध्यान से, ये सवाल क्या है, ये भी बड़ा प्यारा है। देखिए 1 किलोग्राम घर्षण के सह प्रभाव में इन्होंने 1 किलोग्राम का ये पिंड हो गया और इन्होंने बोला है कि 1 किलोग्राम का पिंड है, घर्षण गुणांक 0.1 है, फिर बोला है कि इसे 0.8 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, 0.8 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। तो बताइए घर्षण बल क्या होगा? बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, ज्यादातर बच्चों को यह पता है कि किसी बॉल को या किसी पिंड को रखते हैं तो नीचे mg और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r होता है। सर द्रव्यमान हमने 1 किलोग्राम दिया है, तो बच्चों द्रव्यमान 1 किलोग्राम, जीटी वैल्यू, चलो जीटी वैल्यू हम लोग 9.8 मान लेते हैं, है ना? तो इसका मतलब नीचे की ओर जो mg काम करेगा वो 9.8 न्यूटन होगा। अब देखो इसमें भी लोग गलती करेंगे, ठीक है? अब सुनो बच्चों, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। सर घर्षण बल का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू आर। अब मेरे भाई म्यू कितना है? 0.1। आर बच्चों आर उतना ही होगा जितना कि हमारा एमजी, आर बराबर एमजी 9.8। तो मेरे भाई घर्षण बल का मान आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.898 न्यूटन। देखो मल्टीप्लाई करो 0.98 न्यूटन आएगा। आपको मैं बता दूं 99% लोड इसका आंसर 0.98 न्यूटन कह रहे होंगे। माफ करिएगा दोस्त, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ये वाला आंसर फिर से आपका गलत हो गया जितने लोड ये कह रहे हैं। क्यों भैया क्यों गलत हो गया? मैं फिर बताता हूं। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, घर्षण का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझसे एप्लीकेशन में पढ़ लेना, पूरा घर्षण मैंने पढ़ा रखा है। देखो घर्षण ये कहता है कि ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना, ये जो घर्षण बल आता है मैक्सिमम घर्षण होता है, मतलब पीछे की ओर मैक्सिमम घर्षण काम कर सकता है 0.8 न्यूटन मैक्सिमम घर्षण, लेकिन आगे की ओर बल कितना लगा रहे हो? मात्र 0.8। तो आप बताओ अगर आगे की ओर 0.8 है और पीछे की ओर 0.98, ये ज्यादा है तो क्या बॉडी पीछे की ओर चलने लगेगी क्या? नहीं सर, एक्चुअली में होता यह है कि अगर लगाया गया बल इस मैक्सिमम घर्षण से कम है तो पीछे की ओर घर्षण भी उतना ही आता है। तो मेरे भाई यहां पीछे की ओर आने वाला घर्षण भी उतना ही होगा जितना कि लगाया गया बल होगा। 0.98 मत कह देना धोखे से भी, क्यों? क्योंकि 0.8 अधिकतम घर्षण होता है। तो इस सवाल का सही आंसर 0.8 न्यूटन होगा। था ना मजेदार सवाल? हाँ। तो बच्चों इस तरह के सवाल ये लीजिए, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल उमन एकदम सही है। देखो मैंने देखा, मैं ईमानदारी के साथ बताऊं, मैं आप लोगों की एकदम सराहना भी करूंगा, ऐसा नहीं है, आपके ज्ञान की तारीफ भी करूंगा कि बहुत सारे लोगों का जो आंसर आता है वो एकदम सटीक और सही आता है। आप सबको उस कैटेगरी में आना है। देखिए किसी स्प्रिंट का बल नितान के वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, धारकना मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंट है हरा और इस पे हमने एम किलोग्राम का थ्रू द्रव्यमान लटकाया। हर एक स्प्रिंग का बल नितान के होता है, उसका फॉर्मूला होता है F/x। हरा बल नितान के बराबर होता है F/x। मात्रक बहुत पूछा जाता है बल नितान का मात्रक, बल नितान का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। अब सुनिए आगे, मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्प्रिंग है और मैंने आपसे कहा कि इसका बल नितान के है और मैंने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, आधा आधा है, आधा आधा कर दिया। तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी स्प्रिंग को काटा जाता है ना, तो याद रखिएगा उसका बल नितान बढ़ जाता है, बल नितान बढ़ जाता है
और बच्चों अगर आधा आधा किया है तो बल नितान टूटे और टूटे हो जाता है, हैं? सर अगर आपने स्प्रिंट को कैसा किया है, सर स्प्रिंट को तीन बराबर भागों में बांटा है, तीन बराबर भागों में, पहला भाग 30, दूसरा भाग 3रा भाग, तो याद रखना तीन बराबर भागों में बांटने पर बल नितान तीन गुना और तीन गुना हो जाएगा, तीन गुना तीन गुना। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर के बाई थ्री दे रहे हैं, नहीं भैया नहीं भैया हरा सर ऐसा कैसे, मैं बताता हूं वो भी होता क्या है कि किसी भी स्प्रिंट का जो बल नितांक है वो उसके लूपों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी भी स्प्रिंट का बल नितांक उसके लूप की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें ज्यादा लूप उसका बल नितांक कम, जिसमें कम लूप उसमें बल नितांक ज्यादा। उल्टा जैसे कि मान लो यहां 10 लूप है तो मेरे भाई यहां कितने लूप हो गए, 5 है ना सर, लूप की संख्या आधी, लूप की संख्या आधी, तो लूप की संख्या आधी तो बल नितान डबल, मेरी बात समझे ना, ओके। अगर यहां 30 लूप है तो यहां 10 लूप, लूप की संख्या देखिए कितनी हो रही, 1/3 सर, लूप की संख्या 1/3 हो रही मेरे भाई, तो बल नितान तीन गुना, ठीक। तो आज के बाद कभी भी यह वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना स्प्रिंट को काटने से उसका बल नितान क्या हो जाता है, सर स्प्रिंट को काटने से उसका बल नितान बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट आइए, ये लो 24 नंबर आंसर दीजिए, है ना। ये सवाल कहां का है भाई साहब, ये सवाल है हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का। बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ध्यान रखना जितने भी विमा होती है वो एम की पावर ए, एल की पावर बी और बच्चों टी की पावर सी, इसमें दिखाया गया है, एमएलटी सिस्टम में दिखाया गया है। तो बोला ही जा रहा है कि बताइए इनमें से क्या हमारा सही होना चाहिए। सर कार की विमा लिखी है, रेखी संवेग की लिखी है, बल की लिखी है और कोणीय संवेग की लिखी है, हरा सबकी विमा याद होनी चाहिए, ओके। चलो एक एक करके लिखे मेरे भाई, जब आप कार की विमा कहते हो ना, जूल की विमा याद रखना, जूल की विमा ML2T-2 होती है, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। सर बल की विमा जब कहते हैं, बल की विमा, सर बल की विमा होती है ML T-2, कुछ विमाएं तो याद होनी चाहिए, हरा। रेखी संवेग मेरे भाई, रेखी संवेग की जब बात करते हैं तो रेखी संवेग का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन सेकेंड, है ना, और न्यूटन सेकेंड होने की वजह से इसका जो विमीय सूत्र बनता है वो ML T-1 बनता है, ML T-1 चाहे बना के देख लो, ठीक है। चलो और बताइए, जल्दी से बताइए कोणीय संवेग, तो मेरे भाई कोणीय संवेग की बताइए विमा क्या होती है। सर कोणीय संवेग की विमा कल ही मैंने कही थी, जूल सेकेंड होती है, जूल ML2T-2 सेकेंड, तो बताइए ML2T-2 को हमें ML2T-1 करना होगा। अब आप देख लो कि इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है, चेक कर लो। सर कार 1-2 नहीं है, गलत, रेखी संवेद 1-1 नहीं है, गलत, बल 1-1 नहीं है, गलत, कोणीय संवेद 1-2-1 ये लीजिए मेरे भाई। इस सवाल का जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इस सवाल का सही आंसर। बच्चों इस तरह के भी सवाल आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लीजिए। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज हेल्प मी रिंकेश, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि अगर ये विमा लिखी है एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, तो कार की जब विमा आप निकालोगे तो ए बी सी के मान क्या होने चाहिए, ठीक है, नहीं, ओके। चलो ये वाला सवाल होता है 25 नंबर क्वेश्चन, बताइए आंसर दीजिए, क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई, प्रश्न तनाव के बारे में बताइए कौन सा सही है, हरा सर प्रश्न तनाव के बारे में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, प्रश्न तनाव समझते ना भाई सब लोग। बच्चों ध्यान रखना द्रव में एक प्रश्न तनाव सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एल, एफ बाई एल, ये हमारा ध्यान रखना प्रश्न तनाव होता है। चलो पहला पॉइंट लिखा है तापमान बढ़ाने से इसका मान बढ़ता है, दूसरा लिखा है नमन मिलाने से इसका मान बढ़ता है, अब तो ये पता होगा यार, अब तो ये पता होगा। चलो एक एक करके समझाओ, गलती नहीं होनी चाहिए, चलो बताओ। बच्चों याद रखना जब भी कभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद रखना उसका जो पृष्ठ तनाव सिग्मा है वो घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका घटता है। अरे आइए अशुद्धि, बच्चों अशुद्धि में दो तरह की अशुद्धि होती है, एक होती है अघुलनशील अशुद्धि,
है ना, आघुलनशील अशुद्धि, आघुलनशील। तो बच्चों आघुलनशील अशुद्धि में क्या आता है, जैसे कि डिटर्जेंट, जैसे कि दवाई। बच्चों जब हम लोग डिटर्जेंट या दवाई मतलब आघुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका प्रस्तनाव घटता है, समझे ना। एक और अशुद्धि आती है जिसको बोलते हैं घुलनशील अशुद्धि, घुलनशील अशुद्धि। मेरे भाई घुलनशील अशुद्धि में क्या आता है, नमक। जब भी कभी घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो याद रखना प्रस्तनाव बढ़ता है। तो कई बार ये सवाल ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, कहेगा नमक मिलाने से क्या होता है और दवाई मिलाने से क्या होता है। तो डिटर्जेंट मिलाने से पानी का प्रस्तनाव घटता है, लेकिन नमक मिलाने से ध्यान रखना पानी का प्रस्तनाव बढ़ता है। अब मेरी बात समझे ना। चलो तो तापमान बढ़ाने से इष्ट मान बढ़ता है, ये तो सरासर गलत है। तापमान बढ़ाने से घटता है, नमक मिलाने से बढ़ता है। सर नमक मिलाने से बढ़ता है, सर ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। हरा तो बच्चों इष्टा जो है ना सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, आप देख लो चाहे। ओके चलो आगे बढ़ा जाए, क्या बात है। ये लीजिए, ये भी हमारा डायमेंशन निकालने वाला सवाल है भैया, डायमेंशन निकालना सीख लीजिए सब लोग, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन और शेयर करो भाई, मैं एक बार देख लेता हूं जरा। हम लोग 26 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं, देखने वालों की संख्या 250 है, लाइक केवल 242 थी है, बहुत नाइंसाफी है। हरा बच्चों 26 नंबर सवाल में देखो, इन्होंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन में बोला जा रहा है कि एफ बराबर लिखा हुआ है बच्चों ए टी स्क्वायर और प्लस बी टी क्यूब। बोला क्या है, ए और बी की विमा बताओ। मेरे भाई जब भी कभी इस तरह से विमीय सूत्र आते हैं तो इसकी विमा बल एफ के बराबर करनी है। तो मेरे भाई अगर मैं ए की विमा पूछूं कितना हो जाएगा, तो ऊपर बल की विमा, नीचे टी स्क्वायर, क्योंकि बराबर जब करेंगे तो टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। सेम तरीके से जब बी की विमा पूछी जाएगी, सर बी की विमा में ऊपर बल की विमा, नीचे टी क्यूब। अरे बोलो, ठीक है चलो। तो बताइए बल की विमा कितनी, सर बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। अब मेरी बात समझो, नीचे टी स्क्वायर, आप फटाफट बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस फोर। ए की विमा हो गई एम एल टी माइनस फोर, हो गया हो गया हो गया। सेम तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी MLT minus 5, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अरे ये लो बच्चों, इसके अलावा ये लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 आंसर क्या होगा, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन और शेयर करते रहे, वेस वेरी गुड विनोद आशीत विश्वास। बच्चों मैं फिर से बता दूं, अगर आप डिटेल में बेसिक साइंस इनिट ड्रॉइंग पढ़ना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इसका मैंने डिटेल बैच बना रखा है। अरे एक ऐसा बैच, एक ऐसा कोर्स जिसमें आप 40 में से कम 35 प्लस नंबर का सपना देख सकते हैं। ओके सवाल देखिए, मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए रोटामीटर क्या मापता है। मेरे भाई विशिष्ट रुत कौन मापता है, तो कहते ना विशिष्ट रुत मापता है हमारा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट रुत मापता है। रोटेशन जिसको आप बोलते हैं घूर्णन, सर घूर्णन मापता है टेटोमीटर, टेटोमीटर का नाम सुना है, वो हमारा आरपीएम मापता है। हरा जबकि प्रवाह, सर प्रवाह मापता कौन है, तो कह देना वो मापता है हमारा रोटामीटर। याद किए ना, रोटामीटर क्या नापता है, सर रोटामीटर रोटेशन नहीं नापता, देखो रोटामीटर से रोटेशन लगा रहे, आप ही लोग के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है तो रोटामीटर से रोटेशन लगा दो, नहीं यार रोटामीटर डिस्चार्ज मापता है ना। और बच्चों एक होता है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर सर विस्कोमीटर से मापी जाती है विस्कोसिटी, रोटेशन मापता है टेटोमीटर, आरपीएम बताता है ना। ओके तो रोटामीटर वह डिवाइस होती है जो डिस्चार्ज या विसर्जन या प्रवाह मापता है। चलो आ जाइए 28 नंबर। अब आप लोग पहले ये बताओ, ये वाला डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपके सामने फिर से वाला डायग्राम बना के दिखा देता हूं। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, यहां फोर्स एफ लिखा है बच्चों और यहां विस्थापन एमएम में लिखा है ऐसे। बच्चों यहां पर बोला जा रहा है कि फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है
और यहां जो विस्थापन लिखा हुआ बच्चों वो 100 mm है, mm में, है ना। और इस तरह से ग्राफ दिखाया गया बल और विस्थापन के बीच, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को पढ़िए। स्प्रिंग का बल बनाम विस्तार ग्राफ दिखाया गया है, तो बताइए कितना कार्य करना होगा। देखो एक बार नहीं, मैंने दसियों बार आपको बताया है कि जब भी कभी बल और विस्थापन के बीच तुम्हें ग्राफ दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना, बल और विस्थापन के बीच जब ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, है? ये क्षेत्रफल क्या बताता है बच्चों? तो बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपको कार्य बताता है, कार्य। बोलिए, बताए ना कई बार। अब देखो यहीं पर आप लोग गलती कर रहे हो, मार खाओगे सब लोग, है? छोटा छोटा सवाल आप गलती करोगे। चलो भैया, अगर मुझे कार निकालना है तो मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, 1/2 लंब जुड़े आधार, तो लंब तो ये हो गया 100 न्यूटन। लेकिन जब आधार की बात आई थी, आधार की ये, तो बच्चों आधार में 100 mm, देखो 100 न्यूटन है और ये 100 mm, यही आपने गलती कर दी। देखो सब लोग आंसर दे रहे हैं 5000 5000, तुम्हारे लिए ही 5000 रखा है आंसर में। चलो देखो, क्या ये बताओ 100 mm है अगर यहां पर, तो क्या पूरा का पूरा 100 mm रख दोगे यार? अगर mm में रखोगे तो आंसर जूल में कहां से आएगा? तो 100 mm को डिवाइड बाई 1000 करके आपको पहले मीटर बनाना होगा। देखो सीट दे है, गलती कर करके सीट दे, प्योर इंसान हो, है? देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 10/2 बताइए कितना हो जाएगा? सर 10/2 हमारा 5 जूल हो जाएगा। तो आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे ना। अब आप लोगों ने 5000 क्यों दे रहे थे यार? मैं पहले बता दूं, ऊपर वो लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो तुमसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, उन्हें पता है कि तुम कहां गलती करोगे, और मेरे भाई वो वही आंसर पहले रखते हैं जहां पर तुम गलती करने वाले। अब ये अलग क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोग 29 नंबर सवाल में सोचेंगे कि ये आंसर होना चाहिए। मतलब हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम का लेवल ऐसा ही होता है जिसमें ट्रिकी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। सवाल देखिए क्या है, एक लकड़ी के चम्मच को एक कप आइसक्रीम में डुबोया जाता है, मतलब एक आइसक्रीम का कप है, है? मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि यह हमारा कप है, और बच्चों इस कप में क्या रखी हुई है? सर इस कप में रखी हुई है इस तरह से आइसक्रीम। बच्चों यहां पर मैंने एक चम्मच डुबो दी, यह मैंने चम्मच डुबो दी, ऐसे ऐसे चम्मच डुबो दी, हाँ। तो लकड़ी के चम्मच को एक कप आइसक्रीम में डुबोया जाता है, तो बताइए इसका दूसरा छोर किस क्रिया के द्वारा ठंडा होगा? बताओ, क्या बात है। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, इसका दूसरा छोर एक्चुअली में ठंडा ही नहीं होगा, क्योंकि चम्मच किसकी है? लकड़ी की है, और लकड़ी की चम्मच बताइए कैसी होती है? कुचालक, कुचालक समझते ना, है? कुचालक समझते हैं सर? कुचालक का मतलब हो गया नॉन कंडक्टर। अरे लकड़ी है, इसका मतलब हीट यहां से यहां जाएगी ही नहीं। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि चालन के द्वारा ठंडा हो रहा, नहीं यार ठंडा ही नहीं हो रहा, लकड़ी है, समझे? तो कई बार इस तरह के सवाल आते हैं। ये लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, मेरे भाई आपके एग्जाम में एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन आएगा, और एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलो एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन है, फटाफट मुझे सॉल्व करके दिखाइए। मोटर कार निकास में प्रदूषण जो मानसिक रोग का कारण बनता है, बहुत बढ़िया सवाल। मोटर कार से वो निकलने वाला प्रदूषण का नाम बताइए जो मानसिक रोग का कारण बनता है। आपको पता है लेड, NO2, SO2, HG, हरा, या फिर मैं आपको लिखवा देता हूं कि मोटर कार से कौन से प्रदूषक निकलते हैं। तो मोटर कार से निकलने वाले प्रदूषक में होता है CO2, CO, NOx और लेड, ठीक है? ये वो प्रदूषक होते हैं जो कहां से निकलते हैं सर? ये वो प्रदूषक होते हैं जो कहां से निकलते हैं सर? सर ये निकलते हैं व्हीकल से, व्हीकल मतलब मोटर कार, है ना। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो लेड है ना, लेड ये हमारी आंखों को और हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो हमारी आंखों में जो भी बीमारी होती है, हमारे माइंड में जो बीमारी होती है, वो सब लेड की वजह से होती है। किसी वजह से? लेड की वजह से, ओके। तो ध्यान रखना, ऑप्शन इसीलिए जाएगा लेड। इसीलिए देखिए आजकल पेट्रोल में जाके देखिए, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता ना, सीसा रहित पेट्रोल। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि पहले हम लोग अपस्फोटन को, पेट्रोल में अपस्फोटन एक क्रिया होती है,
और अपच फोटोन को कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड मिलाते थे, TEL, टेट्रा एथिल लेड। लेकिन ये लेड की वजह से हमारी आंखों और माइंड में बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से अब हमने पेट्रोल में TEL को मिलाना बंद कर दिया है। और इसीलिए लिखते हैं ना सीसा रहित पेट्रोल, सीसा नहीं है। तो आंसर लेड वाले उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये लो कंप्यूटर, ध्यान रखना कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में आना है, IT लिटरेसी करते है। हरा सर बुक कहां से ले? अरे बुक के लिए ना आप एक नंबर लिख लीजिए बच्चों। देखो सब चीजें मैं पहले बता दूं, जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या फिर मैं आपके सामने लिखता हूं 6393-125-760, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर, कोई भी दिक्कत हो। बच्चों जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच हो, अगर आप उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मतलब 75% से भी ऊपर डिस्काउंट, वो आपको एक छोटे से कूपन कोड से मिलेगा। वो कूपन कोड होगा YOGI10, YOGI10 कैपिटल में लिखिएगा, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इन्होंने बोला है छोटे से बड़े की ओर, देखो क्या बोला है छोटे से बड़े की ओर। हरा तो छोटे से बड़ा कौन है, किलोबाइट मेगाबाइट, देखो चलो लिख लेते हरा। क्या ट्रिक मैंने बताई थी, सबसे पहले कौन होता है हरा, बन के बी के, हरा बी के मांडता है पीजी, मांडता है पीजी, बिट निबल बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ये तो है। चलो तो पहले किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ये लीजिए ये आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो ये ट्रिक याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। ये लीजिए 32 नंबर सवाल, हीट एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़िए ना, बताओ क्या बात है यार, मुझे लग रहा था कि आज हम लोग 300 प्लस पहुंचेंगे, है ना, 32 क्वेश्चन तक पहुंच रहे, अभी भी हम लोग 300 प्लस नहीं पहुंचे। एक बार थोड़ा सब लोग सेशन को एक साथ शेयर कर दो, हरा सारे लोग जब एक साथ शेयर करेंगे ना तो हम लोग आज 300 प्लस का आंकड़ा जरूर छू लेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दिया, ईमानदारी के साथ बताऊं, अगर आपको दिल से मजा आ रहा है कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है, या मैं एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहा हूं जो हमारे एग्जाम में फंसेगा, तो आप जरूर सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें जो भी LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न लिखा है इनमें से कौन सा टोटल सही है, क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से 45 होता है, गलत। बच्चों जिस थर्मोमीटर से अपना तापमान मापते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, और बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 45 नहीं, पहला गलत है। दूसरा देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड, गलत। बच्चों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सबसे पहली बात। तो जब दो गलत हो गए तो उपरोक्त सभी ये भी नहीं सही हो सकता, आप मेरी बात समझो ना। है ऊष्मा अधिक मात्रा वाले पिंड से ऊष्मा कम मात्रा, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। बच्चों हीट ना हमेशा जिसके पास ज्यादा हीट होती है उससे कम हीट वाले की ओर हमेशा ध्यान रखना हीट का फ्लो होता है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर फ्लो होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो इसमें जो मैंने एक दो डिटेल दी ना वो डिटेल, आहा मजा आ गया, क्या सवाल बनाया है सवाल बनाने वाले ने भाई साहब, मजा आ जाएगा। सवाल देखिए ध्यान से सुनिए ना, बहुत बड़ी सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। ऐसे ही सवाल रेलवे में सबसे ज्यादा आता है कि हमने तार को इतना खींच दिया, बताइए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इसी तरह के सवाल बहुत आते। 33 नंबर सवाल यह है कि एक निश्चित सामग्री का एक तार धीरे धीरे 10% तक खींचा जाता है, धीरे धीरे 10% तक खींचा जाता है, 10% तक खींचा जाता है, तो बताइए नया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। और बच्चों प्रतिरोधकता जो है सिर्फ पदार्थ पे निर्भर करती है, तुम चाहे खींचो चाहे दबाओ, हमेशा ध्यान रखना प्रतिरोधकता कॉन्स्टेंट रहती है। हरा तो प्रतिरोधकता तो कॉन्स्टेंट रहेगी, 101% सही है, लेकिन प्रतिरोध के बारे में क्या कहोगे मार साहब? तो कहना हमने तार को ऐसे खींचा है कि तार की कितने प्रतिशत था, 10%, यानी तार की जो लंबाई पहले 100 थी मेरे दोस्त, वो तार की लंबाई 110, बोलो
हाँ बिल्कुल एकदम सही लॉजिक से आपने आंसर दिया, मजा आ रही है भैया, बहुत सही, वेरी गुड। अब मुझे भी थोड़ा अपना जौहर दिखा लेने दीजिए, है मुझे भी तो थोड़ा अपना ज्ञान दिखाने दीजिए। चलो देखो, तार की लंबाई 100 से 110 हो रही, 10% खींचा। मैं आपसे पूछूं कितने गुना खींचा, 100 से अगर 110 है तो लंबाई 1.1 गुना, लंबाई 1.1 गुना खींचिए। लेकिन याद करो, मैंने आपको कई बार बताया है जब खींचने वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा ध्यान रखना नया रेजिस्टेंस एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के। और एन किसे मानते हैं सर, एन उसे मानते हैं जिसमें लंबाई खींचा जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट है। एन की वैल्यू 1.1 होती है, हैं? एन की वैल्यू 1.1 होती है। मान लो लंबाई का आपने दुगना खींचा तो एन दो टा स्क्वायर, रजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। एन 3 गुना खींचा लंबाई, 3 टा स्क्वायर, रजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई 101% यहां पर 1.1 का स्क्वायर होगा और 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, है ना? यानी प्रतिरोध 1.21 होगा और प्रतिरोधकता वही रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। समझे ना? बोलो बोलो, समझे? चलो आगे बढ़ाया, नेक्स्ट टाइम ये लीजिए। 34 डायमेंशन का सवाल है बच्चों, बोला जा रहा है यहां पर बल एफ वी वेलोसिटी समय टी को मूल मात्रक मान लिया जाए तो बताइए द्रव्यमान की क्या विमा होगी। ओके चलो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, बल एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन की जगह पर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बल एफ बराबर एम इंटू ए, एक्सलेशन की जगह पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, है? चलो बताओ बल एफ, चलो ठीक है द्रव्यमान एम निकालना है, वेलोसिटी को वी मानना है, समय को टी मानना है। अगर मैं बच्चों यहां से एम पूछू तो एम हो जाएगा एफ इंटू टी और वी नीचे फिर ऊपर वी की पावर -1। ये देख लो, चेक लो जल्दी से। ओके तो एफ टी वी -1, एफ टी वी -1 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। धोटे से ए मत लगा देना, ट्रुजलर सोच रहे थी लगातार ए लगा दे रही। ये लीजिए 35 नंबर, बताइए जल्दी से। हाँ इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाऊंगा। बच्चों यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही, समस्या ये आ रही कि यहां पर जो बल का मान दिया गया है वो 20 + 10y है। अब बोला जा रहा है कि y बराबर 0 से y बराबर 1 मीटर तक गति करने के लिए, y बराबर 0 से y बराबर 1 मीटर तक गति करने के लिए बताइए कितना कार्य करना होगा। ये सवाल है, ठीक है? हां बच्चा टेबल BACD भी मिल जाएगा, है ना? बच्चों मैं आप लोग को पहले बता दूं, जब भी कभी बल y के फंक्शन में होता है, जब भी कभी बल y के फंक्शन में होता है तो हमेशा याद रखना, और आपको अगर टार निकालना हो तो हम लोग हमेशा वहां पर एवरेज फोर्स और इंटू विस्थापन करते हैं। एवरेज फोर्स इंटू क्या करते हैं बच्चों, इंटू विस्थापन करते हैं, है ना? मैं आपको बता दूं ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है, देखो बल वाई जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। तो पहले वाई का मान 0 रख दो यहां पर, तो बच्चों जैसे वाई का मान 0 रखा जाएगा तो बल का मान 20 न्यूटन, फिर y का मान 1 मीटर रख दो, 1 रखा जाएगा तो बताइए बल का मान कितना आ जाएगा, 20 + 10 = 30 न्यूटन। दो बल आ गए, अरे ना हरा बच्चों। बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग का कोर्स का भी लिंक है, सामने किताब का भी लिंक है, मैं देखो अभी आपको किताब भी दिखा दूं। तो अगर आप अपने बेसिक साइंस मजबूत करना चाह रहे हैं तो किताब ले लीजिए, किताब से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है? चलो तो 20 और 30 बच्चों, 20 और 30 का औसत 25। अब आप ये मत करना कहां से 25 आया, अरे 20 + 30/2, विस्थापन 0 से 1 यानी विस्थापन 1 मीटर, तो 101% आने वाला जो टार होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 25 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होना चाहिए, 25 जूल का, ठीक है? तो जब भी कभी इस तरह से चीजें बदलती है ना तो याद रखना आपको एवरेज फोर्स लेना है। 36 क्वेश्चन, बताइए आंसर दीजिए, है ना? किताब दे दो जरा बच्चों। ये वाला सवाल देखो, ये कौन से चैप्टर का है, ये सिंपल मशीन वाले चैप्टर का है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोला जा रहा है कि एक साधारण मशीन का वेट अनुपात कितना है, सर एक साधारण मशीन का वेट अनुपात 20 है, 25 किलोग्राम का प्रयास लगाया गया है, 25 किलोग्राम भार कितना उठाया गया है, सर भार उठाया गया है 400 किलोग्राम। तो बच्चों यहां पर दो चीजें पूछ रहा है, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ
और मेरे भाई दूसरा क्या पूछ रहा है, दक्षता। ये देखिए बताइए, फॉर्मूले सबको क्लियर है ना? बोलो बोलो, फॉर्मूले क्लियर है बच्चों? देखो बेसिक साइंस के लिए मैंने ये किताब बना रखी है, हरा इस किताब को आप ले लो, छोटी इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है जब आप कंटेंट देखोगे, और ये किताब आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है? चलो बच्चों, इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर्मूला होता है ऊपर डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू बटे पी मैकेनिकल एडवांटेज होता है, 400 बटे पी। मेरे भाई 400 बटे पी बताइए कितना हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से ये 10 हरा 16, मैकेनिकल एडवांटेज 16 आ गया, आ गया। चलो दक्षता बराबर क्या होता है? सर दक्षता में ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज, नीचे वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 16, वेलोसिटी रेशियो 20। 16 बटे 20 को अगर आप देखो तो 4/5, परसेंटेज में दक्षता निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, हरा। तो बच्चों इसका बताइए दक्षता का आंसर 80% हो गया, तो आंसर 16/80। मतलब ये ऐसे सवाल है जो आपके फ्री के नंबर होंगे, कैसे फ्री के नंबर होंगे। चलो ये लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन, 37 नंबर सवाल, आंसर दीजिए। हाँ राकेश कह रहा है 35 को रिपीट कर दीजिए, ओके दोस्त मैं भी कर रहा हूं, पहले आप 37 नंबर सवाल का पहले मेरा आंसर दीजिए, बताइए क्या बात है। लास्ट में जितने भी बच्चे माई पाठशाला एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन करना चाहना है रोटेंगे, लास्ट में मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। दो सेट स्क्वायर के तालमेल से कोई सारे कोड बनाए जा सकते हैं, उन्होंने बोला है कि ए यानी ये जो एंगल दिखाया गया बच्चों, ये ए एंगल बताइए कितना होना चाहिए। सर इस ए एंगल का मान तुमसे पूछ रहा है, ये एंगल बताओ कितना होना है ना, ये दो सेट स्क्वायर रखे ना, ओके। अब सुनो बच्चों, सेट स्क्वायर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक 45-45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर होते हैं मेरे दोस्त, और दूसरा ध्यान रखना 30 और 60 वाला सेट स्क्वायर होता है, हमें पहचानना होगा। आप देखो ये वाला जो सेट स्क्वायर है इनमें ये भुजा लगभग बराबर है, इसीलिए 101% ये 45-45 वाला सेट स्क्वायर होगा, ओके। और आप ये वाला सेट स्क्वायर देखो, इसमें भुजा बराबर नहीं है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना बड़ी भुजा के सामने का ये जो कोण होगा ये बड़ा होगा, और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा, ठीक है? तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा यानी ये एंगल 60 डिग्री का होगा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा, ये एंगल 30 डिग्री का होगा, समझे ना बात को? आप बताओ अरे ये 60 और 45 105 हो गया, तो 101% ये एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का, हरा। तो ध्यान रखना सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग बहुत सारे एंगल बना सकते हैं, दो सेट स्क्वायर की मदद से हम वो सारे के सारे एंगल बना सकते हैं जो 15 डिग्री के गुणज में होते हैं। अगर 15 डिग्री के गुणज के जितने भी एंगल है वो सारे एंगल बनाए जा सकते हैं। चलो 38 नंबर ये लीजिए बच्चों, ये वाला सवाल भी बहुत प्यारा है, हरा। ऐसे सवाल जब हमारे एग्जाम में आते हैं ना तो हमसे हमेशा गलती हो जाती है। सवाल देखो क्या है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है ना? सवाल में अर्धचालक है, अब सुनिए ध्यान से, जब हम किसी धातु की बात करते हैं बच्चों या हम किसी चालक की बात करते हैं तो बताइए क्या होता है, या फिर हम लोग किसी अर्धचालक की बात करते हैं तो क्या होता है। एक बार सीख लीजिए और हर बार याद रखिए, ध्यान रखना किसी धातु या किसी चालक को जब हम गर्म करते हैं ना बच्चों, गर्म करने के बाद ना उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, लेकिन जब उसकी चालकता सिग्मा पूछी जाती है तो सिग्मा ढट जाती है, सिग्मा उल्टा होता है ना, है ना? तो धातु या चालक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है, लेकिन अर्धचालक में इसका जस्ट उल्टा है बच्चों। जब हम लोग अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, प्रतिरोधकता घट जाती है, लेकिन मेरे भाई चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीख लीजिए इसको, एक बार नोट डाउन कर लो ना कहीं पर, हरा। तो क्या आंसर जाएगा, अर्धचालक का, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में बोला है, आर के बारे में बोला है, तो मेरे भाई आर की वैल्यू घट जाती है, सर अवर भी क्या बात है, ओके। चलो एक छोटी सी मैं अभी आपसे बात भी पूछूंगा, रात के 9 बजे वाली क्लास के टाइमिंग के बारे में मैंने सोचा था, हरा मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा वेट करिएगा बच्चों। ये वाला सवाल देखिए, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित है। एक गर्म पानी भरी बाल्टी
75 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे भाई 75 से कितना सर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लेती है T1 मिनट, फिर 70 से 65 डिग्री होने में T2 मिनट, और 65 से सर 65 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में T3 मिनट। आप गहराई से सुनिए ना बात को, इन्होंने बोला कि एक बाल्टी है जो 75 से 70 होने में T1 मिनट लेती है, 70 से 65 होने में T2 मिनट लेती है, और 65 से 60 होने में T3 मिनट लेती है। तो बताइए T1 T2 T3 के बारे में कौन सी बात सही है, देख लो है ना। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कभी कोई चीज ठंडी होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेम टेम्परेचर जो है सेम टाइम में घटेगा। मेरे भाई जब कोई चीज ठंडी होती है तो 75 से 70 वो तुरंत ठंडा होगा, तुरंत का मतलब कम समय में, 70 से 65 थोड़ा ज्यादा समय ले रहा, और 65 से 60 थोड़ा और ज्यादा समय ले रहा। आप मेरी बात समझो, इसीलिए बच्चों ये वाला जो समय हो रहा वो ज्यादा हो रहा और सबसे कम T1 है ना, T3 सबसे ज्यादा हो रहा, समझे ना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित क्वेश्चन है, और यह ध्यान रखना जब धीरे धीरे उसका कैसे तो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का घटना जो है ना वो स्लो होता रहता है। चलो 40 नंबर सवाल फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, और बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का टाइट उत्तर किसके साथ जाने वाला है ना। सूती अथवा अन्य कपड़ों में लगी हुई आग के अग्निशामक के रूप में 9 निम्न कौन सा पदार्थ यूज करते हैं। बच्चों सूती और अन्य कपड़ा, बच्चों ध्यान रखना जो कपड़ा होता है ना वो ध्यान रखना एक तरह का ठोस ईंधन होता है। कपड़ा कौन सा ईंधन होता है सर, कपड़ा होता है ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन में जो आग लगती है वो ध्यान रखना फायर ए में आती है, ठोस ईंधन में लगी हुई आग फायर ए कैटेगरी में आती है, और फायर ए की आग को बुझाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो किसका इस्तेमाल करते हैं सर, पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल फायर ए की आग बुझाने के लिए करते हैं है ना। चलो मैं आप लोगों से पहले कुछ बातें कर लूं जल्दी से फटाफट है ना। बच्चों अभी मैं आप लोगों से रात के 9 बजे एक क्लास चलाने की सोच रहा था, क्योंकि समय आ चुका है कि मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आऊं। अब मेरे माइंड में 2-3 प्लान है, आप लोग इस वीडियो में लास्ट में मुझे खुद ही कमेंट करके बताना कि कौन सा प्लान ज्यादा सक्सेस है। सबसे पहले रात के 9 बजे मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और अगले 30 दिनों में पूरा साइंस सॉल्व करा दूं 1500 क्वेश्चन के साथ है ना, पूरा साइंस सॉल्व करा दूं 1500 क्वेश्चन के साथ, एक ये प्लान है। अगले डेली मतलब 50 क्वेश्चन डबल कॉलम की पीडीएफ, और डेली 50 क्वेश्चन 30 दिन 1500 क्वेश्चन, एक ये प्लान। दूसरा प्लान सुनिए, दूसरा प्लान ये है कि 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जीके। आपको पता है कि साइंस और जीटो को मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में है ना, तो डेली में आप लोग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, और 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए कराऊं ताकि 30 में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सीवीटी 1 में सही करके आओ, एक ये प्लान है आप लोग के लिए। बच्चों अगला प्लान क्या है सर, अगला प्लान ये है कि जीके और साइंस ना पढ़ाकर है ना, ये तो ये हो गया कि प्योर साइंस पढ़ा दू, और बच्चों अगला प्लान ये है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि एएलपी में सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, ग्रुप डी में 25 आने हैं, तो चलो मैं एक काम करता हूं इसे 20 ना मान के हम लोग डेली 25 क्वेश्चन भी साइंस के ले सकते हैं है ना, डेली 25 क्वेश्चन साइंस के प्रैक्टिस कराओ। अब आप देख लो कि रात के 9 बजे वाली टाइमिंग के लिए आप लोगों को इनमें से क्या सुटेबल है, अब वो मुझे आप लोग सब लोग कमेंट करके बताना ठीक है। बच्चों इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, आपने अभी जो कुछ पढ़ा मुझसे मैंने वो सारा कुछ कलेक्शन अपनी बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग की बुक में डाल रखा है हरा, ये रही वो बुक, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आपके घर में, आप किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में आपके पास ये किताब पहुंच जाएगी। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप 6393125760 इस नंबर पर फोन कर सकते, या फिर आप एक काम करो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जिससे आप डायरेक्ट ही किताब तक ले सकते हो, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों इसके लिए आपको करना क्या है, माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आप प्ले स्टोर से माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे आप पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे देखिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद माई पार्सला, बच्चों माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके, आपने डाउनलोड कर लिया बच्चों, डाउनलोड करने के बाद ऐसी विंडो खुलेगी, तो यहां नीचे बुक वाला सेक्शन होगा, इस बुक वाले सेक्शन में जाने के बाद
आप अपने आप से ही किताब यहां से ले सकते हो, ठीक है। वहां पर बच्चों ने रिव्यू भी डाल रखे हैं, वीडियो में रिव्यू है, वो भी देख लो। अगर आपको माई पार्सल एप्लीकेशन पे कोई बैच ज्वाइन करना है, जैसे कि आपको बेसिक साइंस रीड ड्रॉइंग का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है, तो ऐसे विंडो खुलेगी, बेसिक साइंस रीड ड्रॉइंग का बैच में जाइए, क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद वैलिडिटी सिलेक्ट कीजिए 12 महीने की। और बच्चों बैच का जो दाम है वो 399 अभी डिस्काउंट में चल रहा है, क्योंकि कल मैंने आपको दिया था डिस्काउंट, लेकिन वो डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे UD10। आगे एक छोटी सी बटन होगी अप्लाई, तो UD10 लगाने के बाद अप्लाई जरूर कर देना, आपका ये बैच 399 में पड़ जाएगा। आप खुद मुझे देखिए एडमिशन की संख्या बेसिक साइंस में आप देखिए 4215 है, 4215 है, और 1000 बच्चों ने उस कोर्स को रेटिंग कर रखा है 4.90 रेटिंग, मतलब अपने आप में तगड़ी रेटिंग है ना। इसके अलावा अगर आप पूरा फाउंडेशन बैच चाहते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच का मतलब पता क्या है, पूरे CBT 1 में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे प्लस CBT 2 में जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप सोच रहे देखिए मैथ रीजनिंग GK साइंस बेसिक साइंस भी ट्रेड सब कुछ, ये सब हमारा फाउंडेशन बैच में मिलेगा। और मेरे भाई फाउंडेशन बैच का दाम मात्र 750 रुपए है ना। तो आप लोगों में से जो ALP की पूरी तैयारी करना चाह रहा है वो ये बैच ज्वाइन कर ले, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप कहीं से भी बेसिक साइंस पढ़ो, अंतिम क्षणों में आपको दोबारा मेरे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक साइंस का कंप्लीट सोल्यूशन आपको पाठशाला रेलवे पे ही एकदम सही और ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार मिलेगा, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको यही कूपन कोड लगाना है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो आप 6393-125-760 इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपके सामने आ रहा है, आप वहां से भी वो कर सकते हैं। रहीश कुमार स्मार्ट बुक के क्वेश्चन ना, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूं ना ये स्मार्ट बुक के ही होते हैं, लेकिन चूंकि मुझे मिथ्स कराने होते हैं तो मिथ्स कराने होते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को मिथ्स करता हूं। आप देखिए ना, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन वैसे ही है ना, तो आपको मजा आ जाए रियलिटी दाम में, है ना, मजा आ जाएगा। ये लीजिए, तो बच्चों आपके सामने जो है यहां पर देखो फाउंडेशन बैच के बारे में आ गया, फाउंडेशन बैच ध्यान रखना, मामा ससुर जी ये कौन है, तो फाउंडेशन बैच के बारे में ध्यान रखना, ये हमारा बैच मात्र जो है 750 का है, और ये पूरा बैच 750 का मिलेगा आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे, माई पाठशाला, ठीक है भैया। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।